आज पूरे देश की नजर दिल्ली के ऊपर लगी हुई है कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी बसपा, गठबंधन के साथ लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, और लड़ेगी तो कितनी सीटों पे विजय करेगी। सिंह साहब जी, एक बात बताइए कि आपका जो कार्य है वो बहुत सराहनीय है, और दिल्ली के अंदर बसपा कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है और लड़ने वाली है, उसके बाद कितनी पे जीत हासिल करने वाली है, क्या रणनीति है, उसके बारे में बताएं। बहुजन समाज पार्टी 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी जी, और जो इस देश के अंदर इस समय हालात हैं जी, जनता इतनी त्रस्त है जी, जो वर्तमान सरकार है जी, उसकी कार्यप्रणाली से जी, उसके वादों से जो उन्होंने वादा खिलाफी की है जी, तो आज बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सभी पार्टियों को लोगों ने चेक कर लिया है, कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देख लिया है जी, और भी पार्टियों को देखा है, अब एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी बची है जी। तो इस समय लोगों में इतना जोश है, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं उनका यही कहना है कि इस बार हर कीमत पर हम बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और दिल्ली में हम 7 के साथ सीटें जिताकर बहन कुमारी मायावती की झोली में डालने का काम करेंगे जी। क्या रणनीति रहेगी आपकी कि 7 सीटें आप लोकसभा की जीतेंगे? हम लोग जो बहन कुमारी मायावती का आदेश है, जातीय समीकरण बनाएंगे जी, कि जिन जातियों को इन लोगों ने आज तक टिकट नहीं दिया जी, या जिन लोगों को इन लोगों ने वादा किया जी, हम लोग कि कांसीराम साहब के कहना था कि जिसको लोगों ने नेगलेक्ट किया, कांसीराम ने उनको सेलेक्ट करने का काम किया जी, तो उसी आधार पर हम लोग भी उन लोगों को तैयारी में लगे हैं कि जिनको ना कांग्रेस टिकट देने वाली है ना बीजेपी देती है जी, और हम लोग OBC से और अपना सूरदास से उन लोगों को निकाल कर लाएंगे जी, कि जो लंबे समय से इस देश की राजनीति में जिनको पिछाड़ा गया जी, तो ऐसे लोगों का जब सिलेक्शन होगा तो उसका उदाहरण बताता हूँ कि हम लोगों ने निगम में एक बार सांसी समाज को 3 टिकट दिए जी, सांसी समाज को भी किसी ने टिकट नहीं दिया था, ना विधानसभा में, ना लोकसभा के, तो बहुत बड़ी बात है जी, और ना ही कारपोरेशन में, हमने कारपोरेशन में 3 सीट दिए जी, 3 में से उन्होंने 2 सीट हमने जीती जी, पहली बार उन्होंने सांसी समाज में दिल्ली में खाता खोलने का काम किया जी। इसी तरह हम समीकरण बनाने में लगे हैं कि जिन लोग आज तक लोगों ने टिकट नहीं दिए, तो ऐसे लोगों को लाकर बहुजन समाज पार्टी के का ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसके आधार पर उनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे जी। सिंह साहब, एक बात बताइए, 7 सीटों पे आप बोल रहे हैं कि चुनाव लड़वाएंगे, तो उसमें जीत कितने की रखी जाएगी, कितनी सीटों पे जीत करेगी बसपा? जैसे आपने बताया कि बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे, तो कितनी सीटों पर विजय अपने आप को मानती है बसपा? बहुजन समाज पार्टी इस समय 7 सीट पर जीतने की पोजिशन में है, क्योंकि इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती ने जो समीकरण बनाए हैं जी, उत्तर प्रदेश में जो बहन जी ने गठजोड़ किया है, जो नेचुरल अलायंस है जी, जिसे बहन कुमारी मायावती ने किया है जी, उत्तर प्रदेश में ये हालात है कि जो आज वर्तमान सरकार है वो वहाँ 2.5 का आंकड़ा भी नहीं कर पाएगी जी, उसी आधार पर पूरे देश में एक नई जोश, नए उमंग वाले लोगों में एक लहर आई है जी, कि हर कीमत पर हर वो वोटर, अभी आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर 3-4 दिन पहले का एक मतलब ना वाक्य है जी, कि एक MP ने एक विधायक को मतलब ना भरी मीटिंग में जूते मारने का काम किया, तो इससे ये प्रतीत होता है कि भाई सम्मान तो हर आदमी का है जी, तो यदि सम्मान है तो फिर मतलब ना सम्मान के आधार पर उनको सम्मान देना चाहिए जी, तो पूरा देश देख रहा है इस समय ये हालात बन गए, उन्हें सिर्फ मौके की तलाश है कि कैसे मौका मिले, जैसे चुनाव आयोग घोषणा करेगा तो आप देखना देश के अंदर मतलब देश का नजरिया इस बार जो नज़ारा है वो आपको बदला नजर आएगा, और हम यहाँ दिल्ली में भी हर मतलब जो लोगों को जोड़ने लगे हैं, हर जाति के लोगों को, तो वो लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के मूड में हैं, और उन्होंने देख लिया है देश के अंदर कि कोई पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अलावा उनका मतलब सही मतलब उनको नहीं दे सकती।